खबरें जो सवाल बनती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, खबरें आपके करियर को रोशन कर देती हैं और बना देती हैं आपको कामयाब। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। भारत के प्रजातंत्र पर आज मोदी सरकार ने कुठाराघात किया है, हमला बोला है। भारत के डेमोक्रेसी और चुनावी मशीनरी की स्वायत्तता, निर्भीकता, निष्पक्षता, उन सब को बुलडोजर के नीचे कुचल डाला है। अब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, अब एक जेबी चुनाव आयोग बनाने का कानून आज मोदी सरकार बुलडोज करके राज्यसभा में पारित करवा रही है। एक समय था जब ईसी, इलेक्शन कमीशन का मतलब था इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी, आज ईसी का मतलब बन गया है इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज्ड। अपनी मर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त लगाएंगे, अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त लगाएंगे, अपनी मर्जी से चुनाव आयोग चलाएंगे, अपनी मर्जी से इलेक्टोरल लिस्ट बनाएंगे और अपनी मर्जी से मनमानी कर हार जीत करवाएंगे। प्रजातंत्र पर शायद ये सबसे बड़े हमलों में से एक है जो मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। इसलिए सारे विपक्षी दलों ने एक स्वर से प्रजातंत्र की शुचिता, चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निर्भीकता और पूरी चुनावी प्रणाली की निष्पक्षता, उसको बुलडोजर से कुचलने के खिलाफ हम एक स्वर से भारत के संविधान, चुनाव आयोग और प्रजातंत्र के पहरेदार और प्रहरी बने हम सब खड़े हैं। और ये आवाज न दबेगी देश के 140 करोड़ लोगों की, न हम दबने देंगे, हम इसे आखिर तक ले जाएंगे और ये संघर्ष संसद से सड़क तक जारी रहेगा। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।